बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सना शो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। तो आज का व्लॉग जो है मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैं चिया सीड जो है भिगो रही थी पानी में ओवरनाइट के लिए, क्योंकि मैं जो आजकल वेट लूज़ के लिए चिया सीड यूज़ कर रही हूँ। ये वेट लूज़ के साथ साथ जो है आपकी आपके जो स्टमक की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा, तो ये थोड़ी छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि अल्लाह ताला ने कैसे मदद की, कैसे 5,000 मैंने अपना घर का बजट मैनेज किया, और वो कौन सी मेरी खुद की कोशिश होती है कि मैं, मेरी शादी को माशाल्लाह से 11 ईयर्स हो गए हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ जिसके मुझे 100% रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये आज से आठ साल पुरानी बात है। मेरे हस्बैंड जो है गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उनकी सैलरी जो है 50,000 थी। तो मेरे हस्बैंड ने जो है ना 4 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट्स पर जो है प्लाट लिया हुआ था। 3 साल तो हमें कोई ख़बर ही नहीं थी कि हमारा कोई प्लाट है। हम लोगों ने कोई ना उसकी कोई मंथली इंस्टॉलमेंट पेड की थी, ना आगे पीछे हम कुछ दिया करते थे। तो 3 ईयर्स के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि 1 ईयर रह गया और अपनी बड़ी अमाउंट जो है हम लोगों ने पे करनी है। तो हम परेशान हुए। खैर परेशानी में हम लोगों ने के दरमियान डिसाइड ये हुआ कि हम जो हैं बैंक से लोन लेंगे, अपना गोल्ड रखवा कर बैंक से लोन लेंगे, और जो लोन आएगा वो हम उससे जो है अपनी प्लॉट का जो है ना वो क्लियर करवा देंगे। तो इसी यही डिसाइड हुआ, हम लोगों ने जो है ना बैंक से लोन लिया और हमने प्लॉट का जो है ना प्लॉट की इंस्टॉलमेंट वगैरह सब कुछ ख़त्म करवा दी। तो अब बैंक का था, बैंक का ये था कि ज़ाहिर बैंक तो इतना टाइम नहीं देता, बैंक का तो 1 ईयर्स का टाइम होता है सिर्फ। तो अब मेरे हस्बैंड ने परेशान के अब हमने मतलब 1 साल के अंदर इतनी बड़ी अमाउंट भी उनको पे करनी है। तो खैर मेरे हस्बैंड ने अपने सैलरी में से जिनके देने दिलाने वो कर कुर के इनके इतने देने इतने इनको इतने देने इनके मतलब बिजली के गैस के बिल सारे निकाल नकुल के, तो ना उन्होंने 35,000 जो है ना बैंक का निकालना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मैं आपको 5,000 दिया करूँगा, आपने 5,000 में घर को मैनेज करना है। मैं परेशान हो गई कि 5,000 में मैनेज उस टाइम मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ही थे, तो हमारी ग्रॉसरी ही 5,000 की आ जाया करती थी, माशाल्लाह बच्ची के अखराजात भी थे। तो खैर परेशान तो ही, लेकिन अपने हस्बैंड से ही कहा कि इंशाल्लाह हो जाएगा। तो बस परेशान भी थी और दिल में एक उम्मीद भी थी कि अल्लाह ताला तो है ना जो हमारी मदद फरमाएंगे। तो बस अभी इसी परेशानी इसी में थी कि मेरे हस्बैंड सुबह को ऑफिस चले गए, तो ना दोपहर के बाद मेरे पास 2-3 खवातीन आई और उन्होंने मुझे आगे कहा कि आप हमारे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा दें। तो मैं खुश हो गई और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया। तो मेरे वो 2-3 बच्चों को पढ़ाना 2-3 बच्चों को पढ़ाने के बाद मेरे पास बच्चों की ट्यूशन्स वाले बच्चों की मेरे पास लाइन लग गई और मेरे पास महीने के अंदर 40 बच्चा ट्यूशन्स पढ़ने के लिए आ गया। और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने पता नहीं इस ये मौजा दिखाया, अल्लाह ताला ने ये गैब से किस तरह हमारी मदद कर दी है। खैर जो है ना मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। छोटी बेटी भी थी, मैं बच्चों को पढ़ा रही होती थी तो बेटी को संभाल लिया करते थे, कभी फ्री टाइम में आकर वो मेरे साथ भी मिलकर बच्चों को पढ़ा दिया करते थे। और मेरी रूटीन ये थी कि मैं जब बच्चों को तब तक ट्यूशन वाले जो बच्चे थे तो उनको तब तक घर नहीं भेजते थे जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाते थे कि मैंने अपने बच्चे को हर चीज़ क्लियर करवा दी है, सब उनको पढ़ा दिया है। तो मुझे 7 भी बज जाते, 8 भी बज जाते, तो मुझे पेपर्स के दौरान मुझे 9 भी बज जाते थे। 9 बजे से मेरे बच्चे 9 बजे तक मेरे ट्यूशन के बच्चे पेपर से मेरे घर में मौजूद होते थे। खैर दूसरा मुझे मैंने पॉलर काम सीखा हुआ था। देखिए आपने कोई चीज़ सीखी हुई हो तो वो ज़रूर ज़िंदगी में आगे काम आती है। पॉलर काम सीखा हुआ था मैंने, साथ पॉलर स्टार्ट कर दिया। 3 मंथ तक तो पॉलर के मुझे कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन 3 मंथ के बाद मेरा पॉलर माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा चला, इतना अच्छा चला कि मैं खुद भी नहीं सोच सकती थी कि अल्लाह ताला ने किस तरह जो है मतलब हमारी हम परेशान थे, हमारी परेशानी को देख कर जो है ना हमारी मदद फरमाई। और जो मेरे हस्बैंड जो मुझे 5,000 रुपये दे रहे थे वो 50,000 60,000 की सूरत में मेरे हाथ में आ रहा था बच्चों के ट्यूशंस और की वजह बच्चों के ट्यूशन से और पॉलर के काम से। तो हमने अपना सब कुछ हमारा अच्छे से मैनेज हो रहा था।
फिर जो है ना हमारे मोहल्ले में कुछ लेडीज़ थी, वो अपने घर में ना अपने दुरूद तंजीना पढ़वाया करती थी, तो मैं भी जाया करती थी। देख देख कर मुझे भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी अपने घर दुरूद तंजीना पढ़ूँ, तो मैंने इसी तरह जो है ना दुरूद तंजीना पढ़वाना स्टार्ट कर दी। और आप यकीन करें कि अल्लाह ताला ने इस तरह मदद फरमाई है, इस तरह मदद फरमाई है, इस तरह हमारी परेशानियों को हल किया है कि जैसे हमारी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं थी। अल्लाह ताला मौजज़ात दिखाते हैं, अगर आपको अल्लाह ताला के कलाम पर, अल्लाह ताला पर यकीन हो तो अल्लाह ताला ज़रूर मौजज़ात दिखाते हैं। और उसके बाद तो फिर मैंने दुरूद तंजीना जो है ना जारी ही रखा, हर जुमेरात को अपने घर पढ़वाया करती थी। तो बस इस तरह जो है ना अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, इस तरह जिसने मैनेज करना हो 5,000 में भी मैनेज कर सकती है, जिसने मैनेज नहीं करना हो उसके बाद लाखों भी हो वो तब भी मैनेज नहीं कर सकती है। तो बस जो ये स्टोरी मैंने आप लोगों को शेयर की, और साथ साथ जो है आप लोग क्लिप में देख रहे होंगे, मैंने अपनी बेटी ने कहा था मम्मा मुझे यही सूट पहन कर जाना है, अब सूट पे नमी थी तो मैंने जो है ना उसे बर्तन में रखकर, जो मेरे पास गर्म पानी वाला बर्तन है उसमें रखकर जो है मैंने उसको जो है ना उसकी भाप से जो है ना वो उसकी नमी ख़त्म हो गई और वो भी खुश हो गई थी। तो वैसे ये अच्छी ट्रिक है, कपड़ों को अगर जल्दी सुखाना हो तो ये बेहतरीन ट्रिक है। और बस उसके बाद इसको मैंने सुबह लंच बॉक्स में जो है पिज़्ज़ा और जो है ना पराठा रोल रख के दिए, बस वो स्कूल चली गई। इसके बाद अपने काम काज में बिज़ी हो जाऊँगी। उम्मीद करती हूँ मेरा छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। थैंक